इस वक्त डायनामाइट न्यूज की जो टीम है वो पहुंची है सदर ब्लॉक के मुथई गांव में। हमारे पीछे देख सकते हैं ये पक्की रोड बनी हुई है, मेन रोड से लगभग 5 किलोमीटर कटी हुई है और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये रोड बनाया गया है। यह हमारे पीछे देख सकते हैं, इधर भी पोखरी है, इधर भी पोखरी है और ये बीच में रोड जो गया हुआ है, देखिए ये रास्ता पीडब्ल्यूडी का है, ये जा रहा है मुथई गाँव में चला जाएगा। ये हमारे पीछे देख सकते हैं, आगे एक जो है बलिया नाला पुल उसको कहा जाता है, वो रास्ता कम से कम दर्जन भर गांव को जोड़ती है ये सड़क। हमारे पीछे देखिए पूरी तरह से किस हिसाब से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने, पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने या उच्च स्तरीय अफसरों ने किस तरह से ये नक्शा बनाया होगा, क्या समझ के ये रोड बनाया होगा कि देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी तरह से ये सड़क पानी में लबालब डूब चुका है। हमारे पीछे कुछ आने जाने वाले राहगीर हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ये लोग कैसे अपने मंजिल तक को जाते हैं। भैया क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम गोलू है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से आ ये रहा देख रहे हैं, है। ये सड़क जो है इस पार आने जाने के लिए पूरी तरह से डूब चुका है, किस हिसाब से आप लोग अपना यात्रा पूरा करते हैं? बहुत दिक्कत यार जाने में। क्या ये रास्ता भी चलती है कि बंद हो गई है? अभी तो बंद है, पानी बंद भरा है। है। तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? दूसरा है ना रास्ता, दूसरा दूसरा रास्ता है। ये जो है लाखों करोड़ रुपए की लागत से रोड बना हुआ है और रास्ता इन लोगों को बदल के आना जाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण, हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दुर्गेश। हाँ, क्या नाम है? दुर्गेश। कहाँ के दुर्गेश रहने वाले हैं? हर चेरी फार्म। चेरी फार्म के रहने वाले हैं। ये जो रास्ता बना हुआ है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जो रास्ता बनाया गया है, ये देख सकते हैं पूरी तरह से रास्ता ये पानी में डूब चुका है, लबालब डूब चुका है। इधर भी पोखरी है और इधर भी पोखरी है और बीच में एक बहुत बड़ा महाराजगंज जिले का बहुत बड़ा चेरी फार्म की जमीन है, उसी रास्ते से ये जमीन निकली हुई है सड़क। ये क्या समझ के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और अधिकारियों ने क्या समझ के बनाया है? ये सब तो भी लोग जान सकते हैं। आप लोग अपनी मंजिल कैसे कैसे आते जाते हैं रास्ते से? दिक्कत है, रास्ता रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, हम दूसरा रास्ता हम लोग अपनाते हैं, बहुत दूरी से घूम कर आना पड़ता है। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है और आपको मुश्किल से 500 कदम की दूरी पे जाना है, इस पुल पे मान लीजिए आपको जाना है, तो आप कैसे यात्रा पूरी करेंगे? अब घूम कर हम लोग यात्रा पूरी करेंगे। हाँ, 10 से ऊपर जाना पड़ेगा। 10 किलोमीटर दूर घूम के आएंगे तब आपकी यात्रा पूरी होगी। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कम से कम दिन भर में 10 बार या 20 बार तो इस रास्ते से चक्कर काटना ही काटना है। जब इधर घर है और इधर भी आने जाने का रास्ता है तो लाजमी है इस रास्ते पे लोग पक्का आए जाएंगे लोग। हमारे साथ कुछ और भी आने जाने वाले लोग हैं, राही है, हम उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शराफत अली। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोटा मुकुंदपुर। कोटा मुकुंदपुर, आप किधर जा रहे थे? हम जा रहे थे इधर इधर क्या बोलता है मौलागंज। मौलागंज कैसे जाएंगे? पूरी सड़क तो पूरी तरह से डूब चुकी है। हाँ, तो कैसे जाएंगे? अब घूम के जाएंगे 10-20 किलोमीटर और दूसरे तरफ से जाएंगे। मतलब यात्रा जो है और दूना आपको पूरा करना पड़ेगा। दूना पूरा करेंगे तब जाएंगे। ये सड़क ये बने कितने दिन हो गए? सड़क बने वो कितने दूरी हो गई है? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। ये पानी जो लग रहा है सड़क पे कितने वर्षों से लग रहा है? अरे तो जब बाढ़ आता है तब पानी लग जाता है पूरा यहाँ से वहाँ तक। कोई अधिकारी नहीं आते हैं जांच वाँच के लिए? नहीं आता है। ये जो अधिकारी जो बनाए हैं ये सड़क, ये किस हिसाब से बनाए हैं? अब तो देख रहे हैं पूरी तरह से सड़क लबालब डूब चुका है। हाँ। उस समय कोई अधिकारी जांच वगैरह नहीं आया? नहीं आता है, कोई नहीं, कोई नहीं आता, आता है। हाँ, ये भैया का कहना है कि बलिया पुल है, बलिया के पुल के जो पुलिया है अप्रोच वो भी टूट गया। भैया क्या कहना है? पुलिया उस पार जो है टूट गया है। टूट गया पूरी तरह से। अधिकारी जांच के लिए कोई नहीं आया। एक कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी घर घराना खाए। सरकार ने पैसा पास कर दिया सड़क बनाने के लिए और सरकार की जो दावे भी हैं वो भी है कि 1 किलोमीटर में हमने इतनी किलोमीटर सड़कें बना ली है, एक दिन में इतनी किलोमीटर सड़कें लगातार बन रही है। लेकिन देखिए जो है किस तरह से सड़क का निर्माण हो रही है हमारे पीछे, ये तो भी देखिए, ये तो भी नज़ारा देखिए किस तरह से पानी में सड़क है या सड़क में पानी है। लोग कैसे अपने यात्राओं को पूरी करते होंगे। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज। भैया चल चल कर चला भाई। ए ले चल, दर्द करता है कि नहीं का है? तो गोड़वा दर्द करता है। बढ़िया बात है, मेरा नहीं चला, मेरा पैर पैर।